किधर चले किधर चले चीनू चीनी अले अले कहाँ चल गई चीनी शेरा मारी चीनी इधर इधर मम्मा को देखो क्या क्या शर्म आ रही है बाप रे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं वीडियो में बोल नहीं रही हूँ क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं वॉइस ओवर ही कर दूंगी इस क्लिप के लिए। मैं ले रही हूँ मेरे फर्स्ट मील, जिसमें है बनाना, साथ ही मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ वेजिटेबल क्योंकि मुझे टिफ़िन की और लंच की तैयारी करनी है। तो मैं दूधी की सब्ज़ी बनाऊँगी, लौकी, दूधी, घिया, आप क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मैं एंजॉय करती हूँ मेरा फर्स्ट मील और मिलती हूँ आपको मेरी सेकेंड मील के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन हिट। टाइम हो रहा है अभी 10:30 और जस्ट मैं अभी किचन से आई हूँ। मेरी हालत देख लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं अभी लेके आ रही थी गर्म करके नाश्ता मेरा, और परी जग गई है तो अब मैं इसको करा रही हूँ फीड क्योंकि ये रोने लग गई। तो हमेशा ऐसे ही होता है जब मम्मा को नाश्ता करना होता है या खाना खाना होता है तो बच्चे या तो जग जाएंगे या फिर पॉटी करेंगे, ये दो काम तो फिक्स ही है बच्चों का। तो चलिए अब मैं करती हूँ फटाफट नाश्ता। पहले मैं करूँगी परी को फीड, फिर करूँगी मैं नाश्ता, और मैं नाश्ते में दिखाती हूँ आज आपको मेरी प्लेट में क्या है। वैसे आज बनाए थे पोहे तो मैं अभी जस्ट उसको गर्म करके लेके आई थी। ये देखिए, ऑनियन पोहा है, और इसी के साथ दिवाली की थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी चालू है तो शायद आज मेरा रूम साफ होगा, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ फिर देखते हैं। क्या होता है पूरा सॉन्ग नहीं आता है? क्या होता है कैसे देख रही है परी, कैसे देख रही है? एक बार दियो दियो, एक बार टकला फूटने से क्या होता है? एक बार टकला फूटता है तो वापस क्यों फूटता है? क्योंकि ना पिंक हो जाता है। क्या होता है बता रहा है ये, बस इसकी बात सुनना। देखो क्या बोल रही है, उसकी बात तो सुन। बता 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 मील 3 में मैंने लिया था लेमन वाटर। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 और अब मैं करने बैठी हूँ लंच। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी लंच करूँ, लेकिन अभी हो रहा है रोज़ ऑलमोस्ट यही टाइम हो जाता है, तो धीरे धीरे वो भी चेंज करने का कोशिश कर रही हूँ मैं पूरा, क्योंकि बीच में परी का बहुत सारे काम होते हैं और वो रहती भी नहीं है, तो उस चक्कर में लेट 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 होते रहता है। तो चलिए अब मैं करती हूँ लंच और आपको दिखाती हूँ आज मेरी लंच की प्लेट में क्या है। तो आज लंच में मैंने लिया है 2 रोटी, लौकी की सब्ज़ी, मूंग की पीली दाल, साथ में है दही, घर का बना हुआ दही है, और इसके ही साथ सलाद में है ऑनियन एंड कुकुम्बर। तो ये मेरी और दियांश दोनों की प्लेट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग लंच में क्या ले रहे हो कमेंट कर ज़रूर बताना। चलिए अब मैं आपको टेस्ट कर बताती हूँ। वैसे मुझे तो सारी सब्ज़ियाँ पसंद है और मैं बनाती हूँ तो मुझे वैसे भी अच्छा ही लगता है। मुझे बहुत कम जन के हाथ का खाना जमता है खाने को, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे अपने हाथ का खाना पसंद है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन यस मुझे अपने हाथ का खाना पसंद है। अभी टाइम हो रहा है आफ्टरनून के 3:30 और मैं कर रही हूँ थोड़ी देर वॉक। मेरे को ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गया है वॉक करते हुए, और आज आने वाले हैं मेरे मम्मी पापा, उनका भी कॉल आया था, वो यहीं पास के एरिया में आए हैं। तो उन्होंने बोला हमने परी से मिले नहीं है काफ़ी टाइम से, तो हम आ रहे हैं। सब परी को वहाँ पर बहुत याद करते हैं, और अब मैं भी जल्दी जा नहीं पाती हूँ क्योंकि दीव की स्कूल है, एग्ज़ाम चालू है, और मम्मी से तो मैं ऑलमोस्ट
3 मंथ के बाद मिलूंगी, शायद 3 या 4 मंथ के बाद, क्योंकि लास्ट में जब गई थी ना मम्मी गांव जा रहे थे तब मैं उनसे मिली थी, उसके बाद तो मैं मिली ही नहीं हूँ। सो आज मम्मी से काफ़ी टाइम के बाद मिलना होगा, तो आज वो आ रहे हैं, अब आने ही वाले हैं थोड़े टाइम में। अभी बस मैं 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी, तब तक वो आ जाएंगे। और मेरा आफ्टरनून वॉक हो गया है, अब मैं करूँगी रात को फिर से वॉक। अभी थोड़ा नीचे जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, परी मेरे बिना रहती नहीं है एक्चुअली, तो जैसे जैसे वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी, समझदार होगी, फिर मैं नीचे जाने लगूंगी और अच्छे से वॉक करने लगूंगी। तो चलिए, और हाँ, बटर मिल्क लेने वाली हूँ मैं अभी, यहाँ पर मैंने बटर मिल्क बनाकर रख दिया है, बस अभी लेने वाली हूँ। और ये ध्यान शापर कर रहा है ड्राइंग, दीव को पढ़ने बोलूँगी ना तो ये ड्राइंग लेके बैठा है, दीव की पढ़ाई ये है ना दीव। और ये है मेरा मील नंबर 5 सो इसमें मैंने ऐड किया है पिंक सॉल्ट और थोड़ी सी हींग। आजकल मुझे हींग का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है छाछ में, तो ऑलमोस्ट मैं एवरीडे डाल ही रही हूँ और रोज़ मैं ये बात बोल भी रही हूँ। तो चलिए अब मैं इंजॉय करती हूँ इसे और मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट मील के साथ। खट्टा खट्टा मस्त है, चलिए दू पीना है। सो आप भी इंजॉय कीजिए आपकी मील। सो अभी मैं नीचे गई थी मम्मी पापा को छोड़ने के लिए, तो नीचे से मैं एक सूखा भेल लेके आई, मम्मी पापा आकर चले गए। उनके आने के बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आए थे, तो बस बैठ के उनके साथ बातें की और थोड़ी देर चाय वगैरह नाश्ता वगैरह किया और बस वो चले गए। तो ये होगा मेरा इवनिंग स्नैक्स आज का, उस मील नंबर 6। तो अभी शाम के 7-8 बजे का टाइम है और अभी यहाँ पर ये लगाई है हमने गेहूं पीसने की मशीन, तो अब 2 दिन ये मशीन चलेगी, तो आपको मेरे वीडियो में इसकी आवाज़ भी सुनाई देगी क्योंकि हम लोग अप्रोक्स 60 kg गेहूँ पीस कर रखते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ है और ये मेरी जेठानी है, सो ये दोनों यहाँ पर गेहूँ साफ़ कर रहे हैं और मैं किचन में खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना दी है चावल, मैंने रख दिए है गैस पर बनने के लिए, और दाल भी मैंने बॉईल कर दी है कुकर में। तो बस जैसे ही अभी इसकी हवा निकल जाएगी पूरी, तो मैं तड़का लगा दूंगी दाल को। और साथ में यहाँ पर मैंने पानी गर्म किया है परी के लिए, क्योंकि उसको जो फॉर्मूला मिल्क बनाना होता है तो मैं बॉईल कर पानी गर्म कर रख देती हूँ। और मैं अब यहाँ पर आई हूँ, आधी प्रिपरेशन मैंने आपको दिखा दी किचन की, और यहाँ पर दीव की चल रही है पढ़ाई, साथ में मैं कर रही हूँ कट वेजिटेबल। अच्छा, इसको आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं बताना, हमारे यहाँ पर इसको काचरी बोलते हैं, मैं बैक कैमरे से भी दिखा दूंगी। सो आज बनेगी काचरी की सब्जी, दाल राइस रोटी, और आटा आज मेरा सुबह थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था तो वो गूंथा हुआ पड़ा है, कम पड़ेगा तो फिर मैं और गूंथूंगी। दाल राइस बनाऊंगी, काचरी की सब्जी, रोटी और ध्यान शंबर कर। और दीव के लिए बनेगी बनाना की सब्जी, मैं बनाना भी लाई हूँ, इसका मुँह चढ़ गया, इसने सुना काचरी का सब्जी बन रहा है। सो अभी हम करेंगे डिनर, और अभी परी जस्ट आई है, ये इतनी देर बाजू में थी, बाजू में एक अंकल है उनको बच्चों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो इसको आधा एक घंटा लेके जाते हैं, तो ये जस्ट अभी आई है, अंकल आंटी दोनों इसको खिलाते हैं। और दियांश की चल रही है पढ़ाई, अब हम दोनों करेंगे डिनर। दियांश की है बनाना की सब्जी, दाल राइस रोटी, और मैं खाऊंगी आज सिर्फ दाल राइस और काचरी की सब्जी और थोड़ी सी बनाना की सब्जी, मैं आपको दिखाती हूँ। और थोड़ा मुझे जो दियांश का बचता है वो भी खाना पड़ता है, इसके लिए मैं रोटी नहीं लेती हूँ क्योंकि ये पूरा रोटी अभी तक नहीं खाता है। तो ये देखिए चीनी, अभी अंकल के साथ बहुत अच्छे से खेल रही थी। तो चलिए अब हम करेंगे डिनर, चलिए मैं आपको प्लेट दिखाती हूँ पहले। सो ये है राइस, ये काचरी की सब्जी, और ये है तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल। सो बस ये है हमारी डिनर प्लेट, मुझे और राइस चाहिएगा तो मैं थोड़ा और ले लूंगी, पर फिलहाल ये लूंगी। बाहर चल रही है मशीन और यहाँ पर चल रहा है फैन, तो सबकी आवाज आ सकती है क्योंकि अभी बिना फैन के रहना मुश्किल है। और मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ, ये जो काचरी की सब्जी है इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है क्योंकि इसका ये खट्टी होती है, थोड़ी बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होती, और इसको टेस्ट कर बनाना होता है क्योंकि इसमें कड़वी भी बहुत निकलती है, तो अच्छा है, टेस्ट अच्छी लगती है। ये जो देसी सब्जी होती है ना ये मुझे बहुत पसंद है, और दाल राइस में सब्जी के साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे प्लेन दाल राइस बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं हमेशा सब्जी डालकर ही दाल राइस खाती हूँ।
तो चलिए अब मैं इंजॉय करती हूँ डिनर, और आप भी अपना डिनर इंजॉय कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया है।